केवीएस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके अलावा सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं जिस पर हमने अलग से डिटेल वीडियो बनाया है। नीचे कमेंट बॉक्स में ऊपर आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। 5 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, अंतिम तारीख है 26 दिसंबर 2022। एडमिट कार्ड जो है परीक्षा के लगभग 15 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा कब होगी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये परीक्षा आपकी 4 महीने बाद यानी लगभग अप्रैल मई में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फीस की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है इसमें कहा जा रहा है नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PH और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। यानी जो बच्चे SC ST या PH कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फीस की कोई जरूरत नहीं है, फीस उनसे नहीं ली जाएगी। तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। आपको ये अवसर अगर मिला है कि आपसे पैसा भी नहीं लिया जा रहा है और फॉर्म आप भर सकते हैं तो ये एक अच्छा अवसर है, तो इसका फायदा उठाइए। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर हम बात करें जनरल और OBC के लिए तो यहाँ पर फीस 1500 रुपये है प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तो फॉर्म की फीस है 2300 रुपये। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए फीस है 2300 रुपये। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की फीस है 1200 रुपये, जिसको आप JSA कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। बस यही आपको इस वीडियो में बताना था। सिलेबस पर डिटेल वीडियो बन करके यहाँ पर आ रहा है, आप क्लिक करके अवश्य देखें कितनी सैलरी मिलेगी आपको ज्वाइनिंग होने के बाद, TA DA क्या क्या चीज़ें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं KVS टीचर को, उसकी सारी जानकारी हमने एक वीडियो में बताई है जो यहाँ पर बन करके आ रहा है, क्लिक करके आप देखें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।